हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स वगैरह को रीसेट कैसे कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को आप रीसेट कैसे कर पाएंगे और कैसे अपने सिस्टम ऑल सेटिंग्स वगैरह को रीसेट कर सकते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो सिंपली आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे। इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को रीसेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखते हैं, आपको जाना होगा अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फोन्स पे स्लाइड करते ही आपको फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन पे चले जाना है। जब आप इस पे जाते हैं तो बिना डाटा लॉस के भी फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप कैसे रीसेट कर पाएंगे। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स रीसेट करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट भी करते हैं तो जो भी आपकी फ़ोन की सेटिंग्स है, सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स रीसेट हो जाएगी, लेकिन आपका जो फ़ोन है वो भी रीसेट हो जाएगा और जो भी ऑल डाटा है रीसेट हो जाएगा। और आप यहाँ से करना चाहें तो ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर पाएंगे। और अपने अपने डाटा को सिक्योर करके सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट करना चाहें तो आप बैकअप का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर डिवाइस को ओपन कर सकते हैं, यानी अपने फ़ोन को कंप्यूटर कनेक्ट करके फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, जिससे आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा और जो भी आपका फ़ोन है वो बिना डाटा लॉस के रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।